हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि हमें एक फंक्शन एफ दे के रखा है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्वेशन हो सकता है। अगर ये फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट कराया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें एक आंसर मिलेगा जिसे हम एफ एक्स बोल देंगे। बाद में वही फंक्शन को अगर हमने डिफ्रेंशिएट कराया विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एक और आंसर हमें मिलेगा जिसे हम एफ ऑफ वाई बोल देंगे। तो ये जो दो आंसर हमें मिले एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, ये दोनों आंसर को हम बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ये फंक्शन के। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, वापस एक बार, दिए गए फंक्शन को अगर हम डिफ्रेंशिएट कराते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब हमें एक आंसर मिलता है, और वही फंक्शन को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कराते हैं तब एक और आंसर मिलता है। ये दोनों आंसर को हम बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ये दिए गए फंक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसका मतलब क्या निकला कि हर एक न्यूमेरिकल में हमें एफ एक्स और एफ वाई ही फाइंड करना है। एफ एक्स और एफ वाई को हम क्या बोल देंगे? पार्शियल डेरिवेटिव्स बोल देंगे। किसके? जो भी फंक्शन हमें देके रखा है उसके। अब थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं तब जाके और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। इन शॉर्ट याद रखो, एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर दो उसे हम बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। एक फंक्शन देके रखा है, कौन सा है? 7x² - x³ y^4 + x^4 y^3। ठीक है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? एक एफ एक्स ढूंढना पड़ेगा और एक एफ वाई ढूंढना पड़ेगा। दोनों आंसर हमारे कहलाए जाएंगे ये फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव्स। कैसे देख लेते हैं। पहले तो हम करते हैं एफ एक्स करते हैं। ठीक है, यानी ये जो फंक्शन हमें देके रखा है उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराते हैं। तो कैसे कराएंगे? तो इसका हो जाएगा 7, ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे किया? तो उसके लिए एक सिंपल रूल हमें पता ही है, कौन सा है? कि एक्स रेस टू एन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, यानी पावर को आगे ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर है तो पावर को आगे ले तो 2x हो गया, और पावर में n माइनस 1 यानी पावर से एक कम करना है, 2 - 1 यानी पावर में 1 आ गया माइनस। अब ये क्या है? एक्स क्यूब वाई रेस टू 4, उससे हमें डिफरेंशिएट कराना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के लिए ये वाई वाला टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वाई रेस टू 4 एज इट इज लिख लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन के, और एक्स क्यूब का करते हैं, वो क्या हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो वापस से एक्स के लिए ये वाई जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो 5y³ कांस्टेंट हो गया, बाहर निकाल दो, डिफरेंशिएशन किसका कराओ? एक्स रेस टू 4 का, वो हो जाएगा 4x³। आगे बढ़ते हैं। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 14x - 3x² y^4 + 20x³ y³। तो ये हमारा एक आंसर आ चुका है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा ढूंढना पड़ेगा हमें? एफ वाई ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करा देते हैं। कैसे कराएंगे? तो वाई के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें डिफरेंशिएट कराना है ये वाला टर्म। ठीक है, तो ये वाला टर्म कैसा बन जाएगा? वाई के लिए कॉन्स्टेंट, क्योंकि वाई तो है नहीं, तो कॉन्स्टेंट बन गया। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0, ये हमें पता है, तो इसका पूरा 0 हो जाएगा। क्यों? यहां पर वाई का टर्म नहीं है इसलिए। ठीक है, माइनस अब ये वाला टर्म x³ y^4। अच्छा, y विद रिस्पेक्ट टू y कराना है तो y के लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, सो x³ को डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, y^4 का डिफरेंशिएशन 4x³ हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू y करा रहे हैं इसका, तो इसके लिए x वाला टर्म कांस्टेंट, सो 5x^4 कांस्टेंट बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन से, y³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3y². तो आंसर कैसे लिखेंगे? एफ वाई इज इक्वल टू माइनस, यहां पे गलती कर दिया, कौन सा? 4y^x नहीं, लेकिन 4y³ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x³ y³ + 15x^4 y²।
तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, यानी हमें एफ ऑफ एक्स भी मिल गया, एफ ऑफ वाई भी मिल गया, तो हम बोल देंगे ये दोनों जो है वो है पार्शियल डेरिवेटिव्स ये फंक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे कि दिया गया फंक्शन ये है, ये पूरा दिया गया फंक्शन है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वापस से एफ एक्स और एफ वाई ढूंढना है। तो पहले एफ एक्स ढूंढ लेते हैं, सो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के लिए ये वाई टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी, सो थ्री वाई रेस टू फोर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन। माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो फाइव तो कॉन्स्टेंट है, एक्स रेस टू सेवन का क्या होगा सेवन एक्स रेस टू सिक्स हो जाएगा। प्लस अब फोर वाई रेस टू एट है, एक्स के लिए अब ये टर्म कॉन्स्टेंट हो जाएगी पूरी, क्योंकि एक्स का टर्म है नहीं, तो जीरो के बराबर हो जाएगा कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो एफ एक्स क्या मिला हमें, हमें मिला सिक्स एक्स वाई रेस टू फोर माइनस थर्टी फाइव एक्स रेस टू सिक्स, तो ये एफ एक्स का आंसर मिल चुका है हमें। अब कौन सा बचा एफ वाई, तो एफ वाई ये जो हमारा इक्वेशन है फंक्शन उसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कराते हैं, वाई के लिए ये x वाला टर्म कॉन्स्टेंट, सो थ्री एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, डिफरेंशिएशन किसका वाई रेस टू फोर का करो फोर वाई क्यूब के बराबर। ठीक है, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहां पे y का टर्म है नहीं, सो y के लिए पूरी टर्म कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है, प्लस विथ रिस्पेक्ट टू y इसका करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू y इसका कितना हो जाएगा फोर वाई रेस टू एट का एट वाई रेस टू सेवन। तो फाइनल आंसर लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर y क्यूब माइनस जीरो प्लस 32y रेस टू सेवन, तो ये दूसरा आंसर हो गया। ये दोनों को हम क्या बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स बोल देंगे ये फंक्शन के लिए, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है z इज इक्वल टू e रेस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये एक फंक्शन देके रखा है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ढूंढना है हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो वापस से हम क्या ढूंढेंगे वही चीज कौन सी एफ एक्स और एफ वाई, पहले एफ एक्स ढूंढ लेते हैं, एफ एक्स यानी ये जो टर्म है उससे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें डिफ्रेंशिएट कराना है। अब ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ई रेस टू एक्स ही होता है, और ये पूरा टर्म हमने एक्स मान लिया, सो ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स तो लिख लो एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अच्छा फिर मल्टीप्लाई में जो हमने इन टू द ब्रैकेट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई में जो हमने अज्यूम किया है एक्स का वैल्यू उसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यूब तो कॉन्स्टेंट टर्म है बाहर निकाल लो डिफरेंशिएशन के, बाद में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा। अच्छा तो हमें क्या आंसर मिल चुका है टू एक्स वाई क्यूब ई रेस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये हो गया एफ एक्स, ये फर्स्ट आंसर हमें मिल चुका है पार्शियल डेरिवेटिव का। अच्छा अब नेक्स्ट हम एफ वाई ढूंढेंगे, सो एफ वाई कैसे ढूंढे यही जो हमारा इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ई रेस टू वाई अब ये पूरा वाई बन जाएगा, ई रेस टू वाई का क्या हो जाएगा ई रेस टू वाई, तो ई रेस टू वाई एज इट इज लिख लो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। फिर मल्टीप्लाई में क्या करेंगे हम ये जो पूरा हमने वाई अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, तो कैसे करेंगे वाई के लिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉन्स्टेंट तो डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो इनटू वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री वाई स्क्वायर, तो हमें आंसर मिल चुका है एफ वाई का जो के है थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो ये हमें आंसर मिल चुका है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं z इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे कैसे सॉल्व करें तो हमें एक इक्वेशन पता है कौन सा कि अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है लॉग एक्स का या एल एन एक्स का तो वो कितना होता है वन अपॉन एक्स के बराबर, यानी ये लॉग ये सपोज एक्स हम अज्यूम कर देते हैं हम फर्स्ट तो इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स मिलेगा, तो क्या बोलेंगे कि पूरा एक्स के बराबर है तो एल एन एक्स का क्या होता है वन अपॉन एक्स होता है, तो वन अपॉन एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में हम
जो x की वैल्यू हमने अज्यूम की थी x square plus y square, उसका यहां पे डिफरेंशिएशन कराते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x है तो यहां पे ये पूरा ये टर्म का डिफरेंशिएशन यहां पे करना है तो x square का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ठीक है। फिर प्लस साइन है तो प्लस रख दो, y square विथ रिस्पेक्ट टू x, x के लिए y square कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो हमें मिल गया एफ एक्स का वैल्यू कितना 2x डिवाइडेड बाय x square plus y square ठीक है। अच्छा अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ वाई, सो एफ ऑफ वाई ये जो हमको देके रखा है उसका विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कराना है तो कैसे करेंगे, तो वापस से ln y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन y यानी 1 अपॉन, अब ये क्या है y है पूरा टर्म 1 अपॉन y यानी x square plus y square कर दिया ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ता था, ये जो टर्म है उसका यहां पे डिफरेंशिएशन आएगा तो x square का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा कॉन्स्टेंट है x square y के लिए तो x square कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस y square का विथ रिस्पेक्ट टू y 2y, तो हमें एफ वाई भी मिल चुका है कितना है 2y डिवाइडेड बाय x square plus y square, तो ये दोनों आंसर को हम क्या बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव किसके दिए गए फंक्शन के लिए, किसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आगे बढ़ते हैं, आखिरी दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर फाइंड एफ एक्स 2.1 एंड एफ वाई 2.1। अब यहां पे क्या करना है, यहां पे वही बात करनी है क्या एफ एक्स ढूंढो, फिर जो एफ एक्स का आंसर आया उसमें एक्स की जगह 2 रखो वाई की जगह 1 रखो, फिर एफ वाई ढूंढो एफ वाई का जो आंसर आया उसमें एक्स की जगह 2 रखो वाई की जगह 1 रखो, यानी दो आंसर हमें मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले एफ एक्स ढूंढते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x के लिए y टर्म कॉन्स्टेंट सो y क्यूब को बाहर निकाल लो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा ठीक है, माइनस x के लिए ये 2y स्क्वायर y का टर्म कॉन्स्टेंट तो जीरो हो जाएगा ठीक है। तो अब क्या करेंगे एफ एक्स लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy क्यूब ये जीरो हो गया। अब एफ एक्स क्या ढूंढना है हमें 2.1 सो 2.1 x की जगह 2 रखो तो ये 2 का स्क्वायर आ गया प्लस 2x की जगह 2 और y की जगह कितना रखना पड़ेगा 1 का क्यूब सो एफ एक्स 2.1 किसका कितना हो जाएगा ये ये 2 × 4 = 12 प्लस 2 × 4 ये हो जाएगा एफ एक्स 2.1 16 के बराबर, तो ये हमारा हो गया आंसर जो हमें पूछा है एफ एक्स 2.1। अब नेक्स्ट क्या है एफ वाई 2.1 है तो पहले तो एफ वाई ढूंढते हैं, एफ वाई यानी ये जो फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराएंगे डिफरेंशिएशन सो वाई के लिए एक्स क्यूब कैसा बन जाएगा कॉन्स्टेंट बन जाएगा तो जीरो आ जाएगा जीरो प्लस y के लिए ये x square constant बन गया x square को बाहर निकाल लो y cube का differentiation 3y square हो गया ठीक है minus 2 with respect to y है तो ये हो जाएगा 2y so fy is equals to ये हो गया 3x square y square minus 2 × 4y। अब क्या ढूंढना है fy हमें 2.1 ही ढूंढना है 2.1 तो x की जगह कितना रखेंगे 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर y की जगह कितना रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 y की जगह 1 सो fy 2.1 ये हो जाएगा 12 माइनस 4 तो यहां पे मैं आंसर लिख लेता हूं fy 2.1 हमारा हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 तो ये हो गया हमारा आंसर जो पूछ के रखा है वो दोनों का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। आखिरी न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई इफ फंक्शन इज दिस एक्स कॉस एक्स वाई। अब यहां पे ये लोग ने क्या दे दिया सर, यहां पे कुछ नहीं दिया है, यहां पे जो फंक्शन हमारा है उसको पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कराया यानी ये हो गया एफ एक्स और बाद में यही फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कराया तो ये हो गया हमारा एफ वाई यानी इन शॉर्ट हमें क्या ढूंढना है वही एफ एक्स और एफ वाई ढूंढना है ठीक है। तो देने का तरीका अलग था तो स्टार्ट करते हैं एफ एक्स ढूंढना तो यहां पे लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल्स टू अब क्या करें ये पूरा टर्म है हमारा एक्स इंटू सम टर्म तो क्या करें यू इंटू वी लॉ लगा दे
u into v लो, आपको पता होगा x को u मान लेते हैं और cos xy को v मान लेते हैं। u v लो में हम क्या करते थे, तो u को as it is रखते थे, x को as it is रख लो, फिर cos xy का differentiation करते थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं with respect to x del by del x of किसका, cos xy का differentiation करते थे, फिर प्लस लगाते थे, फिर v को एज इट इज लिख लेते थे cos xy, ठीक है, बाद में डिफरेंशिएशन u का करते थे डेल बाय डेल x ऑफ, u कितना है x है, ठीक है, कुछ नहीं किया, u इंटू v लॉ लगाया, क्या किया, पहले x को एज इट इज रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x की बात कर रहे हैं, बाद में क्या किया, इसको एज इट प्लस करके इसको एज इट इज रख दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, x तो एज इट इज है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, तो यहां पर लिख लेता हूं माइनस साइन x की जगह क्या है एक्स वाई है, ठीक है, अब जो x आपने अज्यूम किया उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो x के लिए y यानी x इंटू वाई का करना पड़ेगा, तो x के लिए y कॉन्स्टेंट, तो y बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन x का कितना वन होता है, ठीक है, अच्छा प्लस आगे बढ़ते हैं, cos xy as it is लिख लिया हमने और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, x का वन हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर क्या आया हमें, fx is equals to, ये हो गया हमारा पूरा कितना हो गया x into y with negative sign, तो यहाँ पे ये माइनस साइन x into y sin xy plus cos xy, ये हमारा हो गया fx का आंसर, ठीक है, यानी ये हो गया डेल एफ बाई डेल एक्स, अब एफ वाई का आंसर फाइंड करते हैं, एफ वाई अब यही जो हमारा फंक्शन है उसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे, वापस से यू इंटू वी लॉ लगाएंगे, तो एक्स को एज इट इज रख देंगे, फिर क्या करेंगे डेल बाय डेल एक्स नहीं करेंगे, अब डेल वाई करेंगे, ठीक है, क्यों विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराना है, किसका, कॉस एक्स वाई का, ठीक है, अच्छा फिर प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, ये जो टर्म है उसको एज इट इज लिख लेंगे, कॉस एक्स वाई एज इट इज कर देंगे और डिफरेंशिएशन किसका करा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेल बाय डेल वाई ऑफ किसका, फर्स्ट टर्म का, ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, एफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज लिख लिया, अब कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ठीक है, और ये साइन एक्स ये पूरा एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स इंटू वाई का, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट, तो एक्स को बाहर निकाल लो, वाई का डिफरेंशिएशन कितना वन, ठीक है, अच्छा प्लस यहां पे क्या आएगा कॉस एक्स वाई, और एक्स का डिफरेंशिएशन कराना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सो वाई के लिए एक्स कॉन्स्टेंट बन जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, यानी ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो, तो बचा क्या एफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन, ये हमारा हो जाएगा एक्स इंटू एक्स, सो एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई, तो ये हो गया हमारा आंसर, ये दोनों जो है उसे हम बोल देंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स है, किसके लिए, ये हमारा जो फंक्शन देके रखा है उसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना इसके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड ऑर्डर की बातें करेंगे, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।